जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या अंतिम उपदेश दिया था? श्रीमद् भागवत गीता अनुसार जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दे दिया, उसके पश्चात अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, हे केशव, जितना भी आपने ज्ञान दिया है, उस पूर्ण ज्ञान को मैंने अपने हृदय में विराजमान कर लिया है। आपने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है, वह हर उत्तर से मैं तृप्त हो चुका हूं। मैं अब बिल्कुल शांत हूं, मेरा हृदय इधर उधर कहीं भी नहीं भटकता। हर प्रश्न का उत्तर आपने इस प्रकार दिया है कि जिस उत्तर को मैं अपने जीवन में उतार पाऊंगा। उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम इस ज्ञान से तृप्त हो गए हो? और कोई भी संशय, कोई प्रश्न, किसी भी प्रकार की कोई आशंका यदि तुम्हारे मन में है तो पूछो। अर्जुन कहते हैं, केशव, मैं हर प्रश्न के उत्तर से तृप्त हो गया हूं, अब कोई भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण फिर से अर्जुन से पूछते हैं, कोई भी संशय नहीं है? उत्तर में अर्जुन कहते हैं, जी प्रभु, कोई संशय नहीं है, परंतु अगर आप फिर भी मेरे गुरु होने के नाते कुछ और भी ज्ञान देना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अपनी मन की झोली फैलाई हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अंतिम उपदेश सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मैंने अब तक जो भी कर्म योग, ज्ञान, साधना, जो कुछ भी तुम्हें दिया है, वह सब भूल जाओ। अर्जुन हैरान हो जाते हैं, प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? जितना भी आपने ज्ञान दिया, मैं उसे भूल जाऊं? उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, उन सब ज्ञान को भूलकर तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। जिस प्रकार एक नन्हा सा बालक कीचड़ में सना हुआ अपनी माँ के समीप रोता हुआ जाता है, माँ उसे स्वच्छ करके उसकी गंदगी दूर हटाकर उसे निर्मल और फिर से एक स्वच्छ सुकोमल बालक बनाती है, उसी प्रकार हे पार्थ, जितना भी ज्ञान, जितना भी कर्म, जितना भी धर्म तुमने मुझसे पाया है, उसे सब भुलाकर मेरे समीप आओ, अपने मन को, अपने चित्त को शांत करो, मोक्ष को प्राप्त करो और अपने जीवन को शाश्वत बनाओ। यही श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश उनके शिष्य पार्थ को दिया गया। जय श्री राधे कृष्ण।